Welcome to this channel. In this video, we will discuss the concept of integration by parts. The given question is x into e to the power 6x dx and we have to integrate it. सबसे पहले हम लोग आइलेट रूल को समझते हैं. आइलेट रूल कहता है कि गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन हम लोग इस तरफ से इस तरफ को लेते हैं. मतलब अगर इनवर्स का कोई फंक्शन रहेगा, यहाँ पे आई क्या है, इनवर्स है, ठीक है, एल है लॉग का है फंक्शन, ए है हमारा अलजेब्रिक, टी है ट्रिगो और एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल. मतलब इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है. तो अभी देखिए आप, हमारा यहाँ से दिख रहा है ई टू द पावर सिक्स एक्स है, मतलब ये जब भी होगा तो ये सेकेंड फंक्शन होगा और एक्स हमारा ये क्या होगा, इट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड होगा. पार्ट्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है. तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन एक्स को छोड़ देते हैं, इंटीग्रेट करना है सेकेंड फंक्शन को. तो ई टू द पावर सिक्स एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड फंक्शन. माइनस का साइन लगाइए, एक बिगर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, डिफ्रेंशिएट कीजिए. किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिस फंक्शन को आपने छोड़ा है. तो हमने एक्स को छोड़ा है, ठीक है. अभी यहाँ पर जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया है उसको दोबारा लिख दीजिए. तो ई पे पावर सिक्स एक्स डी एक्स और इन सब का इंटीग्रेशन, ठीक है. एक्स हमारा वैसे ही हो जाएगा ई टू द पावर सिक्स एक्स का डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पे पावर सिक्स एक्स बाय सिक्स, ठीक है. माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा. और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे दोबारा आप यही लिख दोगे ई पे पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स और डी एक्स. और हम लोग कॉन्स्टेंट सी लिख देते हैं क्योंकि हमने एक फंक्शन को इंटीग्रेट ऑलरेडी कर दिया है. तो हमारा आ जाएगा एक्स ई पे पावर सिक्स एक्स बाई सिक्स माइनस, देखिए वन बाई सिक्स है ये आपका बाहर चला जाएगा, आपका बच क्या गया e पे पावर सिक्स एक्स डी एक्स प्लस सी. अभी हम जो फंक्शन है इसको दोबारा इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हमारा हो जाएगा x e पे पावर सिक्स एक्स बाय सिक्स माइनस वन बाई सिक्स इंटू ई पे पावर सिक्स एक्स और बाय सिक्स प्लस सी. तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से हम कोई भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल को किसी भी क्वेश्चन में जो इस टाइप का है आप लगा सकते हो. थैंक यू सो मच.